कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हैप्पी 15 अगस्त 15 अगस्त। तो अभी आज सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं और मेरा ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है। सिर्फ मुझे नाश्ता बनाना है, मतलब चाय वगैरह पी के दोबारा सो चुके हैं बाबू बेटा तो। और मेरा यहाँ नहाना धोना पूजा पाठ कपड़े वपड़े सब हो गया है और अब मैं जाऊंगी नाश्ता बनाने और अपने लिए लूंगी पहले चाय। चाय के साथ ही मैं फटाफट से आलू मैंने उबालने रख दिए थे तो आलूओं को छीलना है क्योंकि मैं बनाऊंगी कचौरियाँ। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ यार कचौरी सच में, तो आटे वाली मतलब आलू और आटे वाली बहुत टाइम बाद। चलो मैं आपको बाहर का थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ देखिए मेरे सारे कपड़े जो कल के हैं वो सूख रहे हैं, जो आज धोए थे वो भी सूख रहे हैं, सब सूख रहे हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा पेड़ रख दिए हैं। अब यहाँ पे छोटी वाली तुलसी भी रख दी है हमने यहाँ पे, देखिए। अच्छा, तो हमने यहाँ पे सारा कुछ रख दिया है, ये भी और एक ये और एक वो अंदर की साइड में है तो उनको भी हमने यहाँ रख दिया है क्योंकि यहाँ धूप कम रहती है, मतलब थोड़ी बहुत छाया आ जाती है तो पेड़ बच जाते हैं। तो ये दूसरी हमने तुलसी लगाई है और ये भी अच्छी होती जा रही है। और कुछ यहाँ पे भी हमने साफ सफाई किया, मैंने आज इसको सुबह सुबह में सारा अच्छे से धोया है ना, तो सारा साफ किया है, फालतू चीजें हटा दी हैं। तो बस तो यहाँ पे ये सब कुछ देखिए, कपड़े वगैरह सब सूख रहे हैं तो इन्हें पूरा घर मतलब आंगन बिल्कुल ऐसा हो रहा है और नीट एंड क्लीन हो जाता है सुबह के टाइम में, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अभी शायद मेरी आवाज़ आपको आ नहीं रही इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आसमान भी पूरा खुला हुआ है और आज तो मतलब ना खूब अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं बादल कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है कभी कुछ हो रही है। तो आज फाइनली मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे, मौसम को देख के तो यही लगता है। तो चलो फटाफट से चलते हैं किचन में, ले लेते हैं ट्राईपॉड, मैं यहीं बैठ के काम करूँगी क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो बहुत दिनों बाद मैंने ये वाला सूट पहना है, बहुत दिन है। पता है कि उन इस सूट को मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि इसमें प्रेस करने की ज़रूरत होती है और मुझे झटपट काम रहते हैं मुझे, और मैं इसमें बिना प्रेस के तो पहन ही नहीं सकते हो, खासकर इसकी ये जो बॉटम है ना वो। तो अभी मैंने आज चलो मैंने कहा नहीं कुछ मुझे कुछ और पहनना था, जो मैंने वो सूट स्टिच किया था ना वो वाला पहनना था बट मैंने वो धोया नहीं था, मैंने कहा नहीं फिर सूखेगा भी नहीं अभी, तो मैंने कहा आज धो दूंगी फिर पहन लेंगे बाद में। चलो यार बातें तो बहुत हो जाती हैं, फिर काम में लेट होता है, तो चलो काम करते हैं। तो थोड़ी सी वॉइस में आपको परेशानी हो सकती है, बहुत तेज़ से बारिश आ रही है जिस अभी मैं रात में जो अब एडिटिंग कर रही हूँ बहुत तेज़ से, तो इस वजह से थोड़ी सी नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। यहाँ मैं अपनी चाय गर्म कर रही हूँ क्योंकि चाय तो मैंने बनाई थी तो उस मैंने थोड़ी सी तब पी ली थी, पर नहा धोने के बाद है ना मुझे चाय चाहिए ही होती है। तो बस मैंने अपनी चाय गर्म कर रही हूँ और आलू उबल ही चुके हैं तो वहीं पर सारे काम करेंगे, तो चाय और आलू सब वहीं लेके चलते हैं और पंखे के नीचे बैठ के काम करेंगे। नहाने के बाद मुझे ये डर लगा रहता है कि बस मैं पसीने से गीली ना हो जाऊं, जब तक बचना बच सकती हूं तब तक बचूं, बस यही मेरे दिमाग में चलता है। तो चलिए फटाफट से सामान इकट्ठा कर लेती हूं क्या क्या लेके जाना है और फिर वहाँ पर रूम में बैठ के काम करते हैं। अब चाहे सभी की छुट्टी हो 15 अगस्त की, सबकी ही छुट्टी हो, बट हमारी लेडीज़ों की छुट्टी होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। इवन जब जेंट्स की छुट्टी होती है ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा, बल्कि हम शायद और रेगुलर दिनों के मुताबिक ज़्यादा बिजी रहते हैं। अब आप यहीं देख लीजिए ये सब सो रहे हैं और मैं सुबह से ही जब से उठी हूँ तब से लगी हुई हूँ कि नहीं इन लोगों को खाने की लेट ना हो जाए। हर लेडीज़ ऐसी ही करती होगी, हर माँ ऐसी ही करती होगी, हर बीवी ऐसी ही करती होगी, ये सभी के साथ है। बट मैं सोचती रहती हूँ इस चीज़ के लिए यार, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, हम लोगों को स्वतंत्रता कब मिलेगी यार, मतलब हम कब ऐसे फ्री होंगे, कब हम अपने मन का कर पाएंगे, मन का जी पाएंगे, मन का पहन पाएंगे। मैं अपनी ही नहीं कह रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सच में आप मेरी इस बात से वाकिफ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा हमारे ऊपर कितनी बाउंडेशंस हैं, बाहर मत जाओ, ये मत करो, इतने बजे मत आओ, इतने बजे मत जाओ, ये जॉब मत करो, वो जॉब मत करो,
अब जैसे ही यूट्यूब पे भी ऐसे ही रहता है, घर वाले यूट्यूब पे बेकार काम है, यूट्यूब पे मत आओ, डांस मत करो, डांस करके मत दिखाओ, सूट पहनो, जींस मत पहनो, टॉप पहनो, मतलब चाहे कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं एक कोना ऐसा होता है जहाँ पे हमें ये सब सुनना पड़ता ही पड़ता है। और ये हर किसी के साथ होगा, जो शायद जींस टॉप खूब अच्छे से पहनती होंगी तो उन्हें किसी और चीज़ की बाउंडेशंस होगी, हम जैसे सूट सलवार पहनते हैं तो हमें और किसी चीज़ की बाउंडेशन है। हर किसी की ज़िंदगी में, हर लेडीज़ की ज़िंदगी में क्या कहते हैं ना, एक बंदिश है जिसे मतलब जिससे हम है ना अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो वो चीज़ हम सोचते हैं कि कब हम फ्री होंगे। तो चलिए वो सब बातें तो करते हैं, साथ ही साथ अपना खाने का भी काम करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई गरम की है, उसके अंदर मैंने तेल डाला है, मतलब रिफाइंड डाला है, और धनिया डाल दिया है, सूखा धनिया साबुत वाला वो डाला है। जैसे ही वो हो गया उसके बाद मैंने ये पिट्ठी डाल दी है, आलू की पिट्ठी में मैंने हरी मिर्च, धनिया पत्ता, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला ये सब मिक्स किया था। और बस इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लूँगी, क्योंकि मेरा मन था आज बिल्कुल समोसे जैसा फ्लेवर आना चाहिए कचौरी में ना, तो इसी वजह से मैंने जीरे में तड़का दिया है। जीरे में आप तड़का देंगे ना तो आलू की जो पिट्ठी का टेस्ट होता है ना वो बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा। बस ठंडा होने के लिए रख दूँगी जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और फिर मैं बनाऊँगी कचौरियाँ जैसे ये लोग उठेंगे। मेरा काम तो, मैं अपना काम तो फिनिश कर ही दिया है। तो मैंने ये सब कुछ करने के बाद दूध ले आई थी, थोड़ा देर बैठ गई थी बाहर, कपड़े फोल्ड करके ले आई हूँ, देख रहे हैं ना चेयर पे। तो अब ये लोग उठ गए हैं क्योंकि लाइट चली गई है, लाइट गई तो इन लोगों की आंखें खुल गई हैं। तो चलो अब मैं इनका बेड समेट देती हूँ, जो कि पहले तो हुआ नहीं था, क्योंकि जब तक ये उठेंगे नहीं तो जब तक कैसे समेटूंगी। और मेरे जो कपड़े सूख गए थे, जो कल के थे ना, वो मैं फ़ोल्ड करके ले आई हूँ, और जो आज धोए हैं वो बाहर ही सूख रहे हैं, क्योंकि उनको तो टाइम लगेगा क्योंकि मैंने ड्रायर भी नहीं लगाया था। तो आप अब देख रहे हैं ना कि मतलब कभी कभी सच में ना बहुत अजीब लगता है, मन करता है हम भी आराम से बैठे हैं, आराम से सोएं, आराम से किसी चीज़ की फिक्र ही ना हो, पता नहीं वो दिन कब आएगा। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दूँगी और फटाफट से काम कर लूँगी। मेरा मन नहीं था आज गद्दा उठा के बेडशीट करने का, इसलिए मैंने आज कॉम से ही चद्दर को अंदर कर दिया है। कई बार होता है ना, हर एक टाइम हर एक चीज़ का मन नहीं होता, सो मेरा तो ऐसा ही है। बेडरूम में अगर बेड सही है तो पूरा बेडरूम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अगर बेडशीट ही बेकार बिछी हुई है, सुकड़ी हुई है, तो बेडरूम के ढसरा बिगड़ जाता है। और मेरे साथ तो यही है, मुझे बेडरूम की जो बेडशीट है, कर्टन है, वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होते हैं, मुझे तभी अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने कहा चलो ये कंप्यूटर टेबल भी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वायर्स वगैरह हो रहे थे, तो मैंने कहा इन्हें भी समेट देती हूँ, कपड़ा वगैरह मार देती हूँ इन पर भी, बेटा तो ऐसे ही बैठ लेता, और तो कोई करता नहीं है। तो अब मेरा कमरा बहुत अच्छा हो गया, आप देख सकते हैं। तो सारा काम तो हो गया है, ये लोग अपना फ्रेशन अप भी हो चुके हैं, और फ्रेश तो ये पहले ही हो गए थे सुबह उठते ही, साथ ही ये तो दोबारा सो गए थे, मतलब ये अब मैं इनके लिए खाना पीना बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस कचौरी मैं हाथ से ही बनाती हूँ, पर मैंने आपको बेल के भी दिखाया, तो आपकी मर्जी है, आप बेल के बनाइए, कैसे बनाते हैं आप वैसे बनाइए, अगर फट जाती है तो आप इस तरीके से उसमें थेकला लगा सकते हैं है ना, जैसे मतलब थोड़ा सा आटा लेके उस पर लगा सकते हैं, क्योंकि जब कचौरियाँ फट जाती है तो उसमें तेल भर जाता है, और जो कि फिर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं तो अभी तो आपको सिर्फ बेल के दिखा रही हूँ, बट मैं तो बनाऊँगी हाथ से ही, क्योंकि हाथ से मेरी फटती नहीं है, बेलने से फट जाती है, पता नहीं क्यों। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे बनानी है कैसे नहीं, वैसे तो आपको भी आती होगी यार, मेरे से एक्सपर्ट लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो तेल मेरा हो चुका है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है इस तरीके का, क्योंकि इसे धीमे धीमे आँच पर ही मुझे बनाना है, जिससे ये अंदर तक पक जाए, क्योंकि कचौरी क्या होती है, थोड़ा सा मैं मोटी बनाती हूँ, मोटी कचौरी होने के कारण मुझे अंदर तक सेकना होता है, नहीं तो अंदर आटा आटा रह जाता है। तो इसे धीमी ही, आप देख रहे होंगे गैस धीमी है काफ़ी, तो मैं इसे धीमी धीमी आँच पे ही पकाऊंगी, और साथ ही साथ और कचौरियाँ भी बेलती जाऊँगी, क्योंकि एक एक कचौरी सेकूँगी, मैंने तेल कम डाला है। और देखिए अब मैं आपको हाथ से बना के दिखाती हूँ, ऑयल लगा लीजिए और इस तरीके से लोई की तरह आपको बढ़ाना है, जैसे ये बढ़ जाए इसमें आलू रख देना है और बस इसको बंद कर देना। हाथ से जब हम बनाते हैं तो आटा सारी जगह एक सार रहता है, तो फटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब देखिए मैं हाथ से बढ़ाती हूँ और कितनी बढ़िया बनी है, बिना फटे हुए बनी है।
तो देखिए गर्मा गर्म कचौरी रेडी है, चटनी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था, बट लाइट नहीं आ रही है, तो आप भी खा लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इवन सब इन्होंने भी बहुत तारीफ की। तो खाना पीना तो हो चुका है, अभी मैं हमने कुछ सामान ऑर्डर किया था ग्रॉसरी का, तो वो आया है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए जब आएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी, पर व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, सो प्लीज़ आगे का जो पार्ट है मैं कल आपको शो करूंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।